बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ अल्लाह के फजल और रहमत से। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, चिकन पकौड़ा। चलें बगैर वक्त ज़ाया किए हुए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। 200 ग्राम चिकन लिया है, बोनलेस चिकन। अब हम इसको पहले मैरिनेट करते हैं, फिर उसके साथ हम पकौड़ों का सामान बनाएँगे। नमक लिया हमने 1/2 टीस्पून, अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 1 स्पून चिली फ्लेक्स के बाद हम 1 टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर। 1 टीस्पून हम ज़ीरा पाउडर डालेंगे। 1/2 टीस्पून हम ब्लैक पेपर डालेंगे। 1/4 हम लेंगे हल्दी पाउडर। चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करके 1 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। ढक के इसको हम रख देंगे। दूसरी तरफ हम पकौड़ों का मसाला तैयार कर लेते हैं। आपने मेरे रेसिपी का एक एक स्टेप फॉलो करना है और आपने पूरी रेसिपी को फॉलो करना है। जिस तरह मैं बनाऊंगी उसे आपको बहुत मज़ेदार चिकन पकौड़ा तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम इसको 1 घंटे के लिए ढक के रख देते हैं। अब हम पकौड़े बनाने के लिए सामान बना लेते हैं। 1 चम्मच बेसन, 1, 2 और ये 3, 3 चम्मच हमने बेसन लिया। उसके अंदर 1 टीस्पून हम लोग अजवाइन डालेंगे और 1 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें रेड चिली ऐड करेंगे। हस्बैंड जैका इसमें नमक ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें 1.5 चम्मच। इसमें हम दही ऐड करेंगे। कुछ पानी ऐड करके हम इसमें इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा सा पेस्ट हमने तैयार कर लेना है। देखिए माशाल्लाह से हमारे पास प्यारा सा पेस्ट रेडी हो गया। थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे। नरम सा पेस्ट होगा ना, जो आराम से उसको लग जाएगा बोटियों को। देखें इस तरह का, इस तरह का आपने पेस्ट करना है इस तरह। चले पेस्ट रेडी हो गया। अब हम फ्राई करते हैं। इस तरह चिकन लेंगे हम, उसको उस पर कोटिंग करेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। सारे चिकन हम इसी तरह करेंगे। जिससे हम पकौड़े बनाते हैं उसी तरह हम इसको बना देंगे। देखिए हमारी माशाल्लाह
पकौड़ा तैयार हो गया। देखिए माशाल्लाह से हमारे चिकन पकौड़े ऑयल गर्म होगा तो फिर आपने चिकन पकौड़ा डालना है। देखिए मज़े से माशाल्लाह, इसी तरह बाकी को भी हम कर लेते हैं, डिश आउट करते हैं। मेरी रेसिपी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। व्यूअर्स, जैसे मैंने बेसन लगाया है ना, वैसे ही आपने बेसन लगाना है, क्योंकि इस तरह आपकी चिकन का मसाला जो है ना, वो बेसन की कोटिंग से उतरेगा नहीं। ये स्टेप आपने लाजमी फॉलो करना है। देखें माशाल्लाह मज़ेदार मेरी चिकन पकौड़े रेडी हैं। लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।